सो हे यो फैन, तो कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम कुछ करने वाले हैं जो आप थंबनेल देख के चले जाओगे पता हम क्या करने वाले हैं आज हम। सो उससे पहले हम बोलना चाहेंगे कि हम कहते किसी वीडियो में नहीं बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, उसके बाद शेयर कर। हाँ, अगर अच्छा लगे आज का तो शेयर जरूर करना किसी अदर फ्रेंड में, जो आपका फ्रेंड हो या उसको कम बजट में डाइट चाहिए। पाँच मतलब कि वीकली का 500 काफ़ी है। अगर वीकली का एक वीक का 500 हुआ तो चार वीक है मंथली में, तो पाँचों के बीच आने के आपका 2000 का एक महीना में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल डाइट है आपका, दो टाइम घर का खाना छुड़ा के, दो टाइम जैसे घर का सिर्फ खाना होता है दोपहर का रात का, वो दो खाना छुड़ा के उसके बाद जो है ये बाद में जो 5-6 टाइम और जो होगा नॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग दिखाते हैं क्या क्या उसमें लेना चाहिए, क्या क्या हम बताएंगे जो हम खुद यूज़ करते हैं, आज आप लोगों को भी बताने वाले हैं हम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम दिखा दे रहे हैं आपको क्या क्या हम लाए हुए हैं, उसके फिर आपको बताएंगे किसका कितना प्राइस है, कितना पड़ता है इसका, तो आपको कितना तक में वो आ जाएगा। सो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का टाइमिंग क्या है सुबह उठने का वो हमको नहीं पता, बट मेरा जो है वो हम लगभग 7 बजे ऐसे मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि अभी मेरा सुबह का काम होता नहीं, पहले कहीं काम था तो हम मतलब कि सुबह अपना 5-6 बजे उठ जाते थे, बट अभी कोई काम ही नहीं, नल्ला बैठे हुए हैं। तो सो हम सुबह 7 बजे उठते हैं, उठते के साथ तो पहला हर कोई जो हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स का देखते हैं वीडियो, चाहे जितेंद्र सिंह हो गए और भी किसी का, उनका कहना है सुबह उठते के साथ पहले पानी पीना चाहिए। तो हमसे भी पर डे नहीं हो पाता है, बट कभी कभी माइंड आता है कि हमको कुछ करना है तो हम जाके उठ के पहले गर्म पानी थोड़ा सा करेंगे, फिर उस पानी को पीते हैं, फिर से होकर फिर जब आते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, मेरे पास पाँच सामान मांग के चलिए आप, पाँचों सामान को हम रात को फूलने देते हैं, फिर मॉर्निंग में उसको उठ के मतलब कि वो खाते हैं, उसके साथ केला भी खाते हैं। ठीक है, तो हम तो दिखाते हैं आपको सुबह क्या क्या खाते हैं फुला के हम। तो सुबह का मेरा मॉर्निंग का जो रहता है, ठीक है, अब उसी मॉर्निंग का हम दिखा रहे हैं, मॉर्निंग में क्या क्या खाते हैं तो देखिए दिखा रहे हैं। मेरा पहला जो पीनट है, ठीक है, जो कि ऐसे नॉर्मल बहुत सस्ता मिलता है, शायद 100 या 120 या ऐसे 150 रुपये के जी बिकता है। ठीक है, आप अगर 100 ग्राम लाते हो तो वो आपका एक वीक आराम से चल जाएगा, ज़्यादा चल जाएगा आपका 100 ग्राम लाते हो तो। नेक्स्ट आपका काजू हो गया, बादाम जो भी है, ठीक है, ये आपका मतलब कि लगभग 800 रुपया के जी दोनों का है, तो 80 रुपया आपका हो गया ऐसे, तो ये भी आपका मतलब कि एक वीक से ज़्यादा चल जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि पर डे पूरा खा जाना है। दूसरा हो गया जो हम लोग का जो चना होता है, जैसा जिसका छोला बनता है वो चना, साथ में मूंग होता है वो हो गया, और उसके साथ किशमिश, तो ये रहा किशमिश बहुत सस्ता आता है, जिससे वजह से अगर आप कहीं जान पहचान या कोई भी शॉप से अगर ये हो तो वो सब आपको डिस्काउंट ऐसा दे सकता है। तो आपका ये हो गया, साथ में केला, ये सबको मॉर्निंग में पहले हम उठते के साथ फ्रेश सब होकर फिर आके पहले खाते हैं उसको, साथ में केला। तो सुबह मेरा मॉर्निंग का ये हो गया काजू, बादाम, पीनट और क्या होता है चना, मूंग और साथ में किशमिश रहता है, ये सब हम सुबह खाते हैं। इसके बाद हम लगभग 1 घंटा बाद फिर वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सो वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद फिर आके जो घर का खाना होता है, मेरा जो खाना आपको हम दिखाएंगे, जो आफ्टर वर्कआउट खाते क्या है, खाने में हमको मज़ा आता है। ठीक है, बट अच्छा खाते हैं, चावल रहता है, अंडा रहता है, ठीक है, उसके साथ पूरा फ्राई करके वो खाते हैं। सो तो ये हो गया मेरा सिर्फ मॉर्निंग का एक टाइम का बता दे रहे हैं आप, इसको शायद आप 2 टाइम खा सकते हो, एक मॉर्निंग में, इवनिंग में भी खा सकते हो इसको आप। ठीक है, हम ऐसा नहीं जो ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकते उसके लिए अलग बात है, जो कम पैसा में चाहते हैं कि हाँ कम पैसा मेरा हो जाए, वेट गेन भी हो, क्या होता है थोड़ा सा जो भी बॉडी थोड़ा मतलब कि फिट रहे, उसके लिए हम सिर्फ बता रहे हैं। बाद में कि अगर आप लोगों को जैसा लगे आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, दोस्तों ये रहा हम सिर्फ मॉर्निंग में, इसको आप 2 टाइम खा सकते हो, तो आप 2 टाइम खाना हुआ, 2 टाइम ये हुआ तो मतलब कि 4 टाइम आपका ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो सेकेंड हम बता रहे हैं आपको सस्ता के अंदर, और तो मतलब ओट्स आप सस्ता के अंदर ओट्स खा सकते हो, तो ओट्स आपका लगभग 180 पर के जी आता है। फिर बस ये सफोला का हम दिखा सकते हैं ब्रांड को, ये नहीं है सफोला का ओट्स है मेरे पास में, इसका जो 1 kg का पैकेट आता है उसके आप ऊपर 400 ग्राम का फ्री, तो आपको दिख रहा होगा ये फ्री वाला 1 kg का हम मेरा रखा हुआ है। ठीक है, तो वो ये लास्ट में रखे थे तो उसके आप लोगों को दिखाया, 400 ग्राम का ये है, आप समझ लो 180 रुपये का ओट्स आपका कम से कम एक महीना आराम से चल जाएगा। अगर आप पर डे 30-40 ग्राम ऐसे मतलब कि ओट्स खाते हो तो आपका एक मतलब कि एक महीना आराम से चल जाएगा, आप सबसे तो 200 रुपया आपका मतलब कि अच्छा जी मतलब मिल जाएगा। ठीक है, अब एक महीना इधर ये निकल गया, हम फिर आधा केजी दिखा रहे हैं आपको, ये आपको 1 सप्ताह से प्लस चल जाएगा। इसका प्राइस कम से कम कितना होना चाहिए, वही 180 का 1 kg आता है, साथ में ये 3 कैसे प्लस का जो भी आता होगा, ये हो गया। उसके बाद हम दिखा सकते हैं आपको नेक्स्ट जो है मैं ये ब्रेड रहा। ठीक है, ये ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड का प्राइस मुश्किल वही नॉर्मल ब्रेड आता है 12 रुपये का, और ब्राउन ब्रेड जो है वो आपका 15 या 16 रुपये का, हर मतलब कि सिटी या हर स्टेट का अलग अलग प्राइस होगा। हम तो बैंगलोर है तो कोलकाता का ये हम बता सकते हैं, यहाँ इसका प्राइस वही 15 रुपये से इसका लिया। ठीक है,
ये हो गया, ये आपका लगभग अगर इसका ऐसे एक्सपायरी डेट 3-4 दिन का रहता है, तो इसको आप 3 दिन चला सकते हो या 2 दिन ऐसे, अगर किसी के फ्रिज हो तो उसको, और अच्छा अगर नहीं है तो कोई, तो मेरे घर में फ्रिज नहीं है ठीक है, तो हम आज लाते हैं, आज और कल 2 दिन में मेरा खत्म हो जाता है ठीक है। तो ये हो गया, हम आपको पीनट बटर भी सजेशन दे सकते थे, बट पीनट बटर थोड़ा कॉस्टली आ जा रहा है, उसका जब पीनट खा सकते हैं या होम मेड पीनट बटर बना भी सकते हैं, तो सो हम किसी आपको वही बना के दिखा देंगे होम मेड पीनट बटर हम कैसे बनाते हैं ठीक है। ये हो गया, इतना चाहिए दिखा सकते हैं आपको, नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं आपको जो सबसे हेल्दी, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, हर कोई खा सकता है इसको ठीक है। खाकर जो वेजिटेरियन है उसके लिए भी उसके अलावा ऑप्शन है, बट ये जो होगा ये हम आपको दिखा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं जो लास्ट है, मेरी मम्मी देखिए घुस जाएगी, बोले क्या दिखा रहा है। सो ये अंडा है ठीक है, ऐसे मेरे घर में कोई नहीं खाता, सिर्फ हम ही खाते हैं, मम्मी लोग आ जाएगा फिर ये नहीं खाना मेरा बंद हो जाएगा तो बाहर खाना पड़ेगा, तो वो लोग बात है। सो अंडा ये भी आपका 6 रुपये का था, साथ ही 6 ग्राम प्रोटीन एंड 80 कैलोरीज इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर आप 4 अंडा खाते हो तो 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया, और लगभग 350 मानो ना आप लोग, 300 कैलोरीज, तो 24 ग्राम प्रोटीन इधर, 300 कैलोरीज, उसके बाद आपका जो इधर मतलब अदर चीज़ हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है 2 टाइम का खाना, ये हो गया आपको, लगभग इसको अगर ऐड करोगे तो आपका उससे से 500 रुपया प्लस भी नहीं जाएगा ठीक है। आप ऐड कर सकते हो, तो अगर आप 100 ग्राम चना हो गया, सॉरी काजू बादाम 8 मिल गया, 80 160 रुपये, सॉरी 700 था, 70 से 140 उधर हो गया आपका। ये सब तो कहता है क्या कहते हैं उसको, फालतू है ठीक है, मतलब सस्ता में बहुत कम मिल जाता है आपका। ब्रेड हो गया तो आपका 1 ब्रेड 2 दिन चलाते हैं 15 रुपया, तो 6 दिन ऐसे हुआ तो आपका मतलब कि 45 रुपीज़ इसमें आपका चले गया ठीक है। ओट्स का इसका भाई 40 रुपया ऐसे आपका लग जाएगा, 40 नहीं लगेगा, तो 60 रुपया आपका ओट्स का लग जाएगा 1 वीक का कह रहे हैं ठीक है, अगर अच्छे से खाते हो। या फिर नॉर्मल ओट्स है, आप इसके साथ मैगी मसाला डाल के खा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि ऐसे आप मसाला ओट्स तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, शायद आपको पता होगा आप यूज़ करते हो मसाला ओट्स, तो मसाला ओट्स एक बार ही किए थे हमको बहुत बुरा लगा, सारा इतना पैसा इतना फंसा दिए, वो अलग बात है। और आप मतलब कि हम तो सुबह मॉर्निंग में से 1 केला खाते हैं, आप अगर चाहो तो मतलब कि 2 केला खा सकते हो, आपको पता है केला के अंदर कितना ये रहता है, आपको लगभग 200 कैलोरीज मिल जाएगा 2 केला के अंदर। एक मीडियम साइज केला के अंदर आपको मतलब कि 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम बोल रहे 100 कैलोरीज 100 कैलोरीज, अगर 2 खाते हो तो 200 ठीक है। केला को प्रोटीन के सोर्स में नहीं ले सकता, क्योंकि 1 केला के अंदर मुश्किल से 1 से 1.5 ग्राम ऐसे प्रोटीन रहता है। ये हो गया आज, मतलब ये आप पूरा दिन अगर खा सकते हो, हमको टाइम बता देते हैं सुबह से लेके मतलब कि शाम तक किस किस टाइम में खा सकते हो आप ठीक है, तो उसको आप ये कर लेना। जैसे आप मतलब कि ये जो बताया आपको काजू बादाम और चना हो गया ये सब, इसका मॉर्निंग सुबह उठते के साथ खा सकते हो ठीक है। ये आपका 1 टाइम का हो गया, फिर आप वर्कआउट अगर सुबह करते हो या शाम में तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो अगर बहुत सारा ऐसा होता है जो गाँव से हैं, जो गाँव से होंगे ठीक है, हम भी गाँव से, हमको पता है गाँव में खाना मुश्किल से 11 बजे तक खाना बन जाता है वहाँ ठीक है, और वहाँ से हो तो कोई नहीं, आप लोग मतलब कि क्या करता है खाना उस टाइम मिल जाएगा, उस टाइम खा सकते हो। आफ्टर वर्कआउट आप अंडा ले सकते हो, ब्रेड हो गया, ब्रेड आप दोपहर में किसी टाइम में ज़्यादा मतलब किसी टाइम आपको अगर भूख लगे तो ब्रेड है उसके ऊपर क्या करता है कुछ आता है, जैसे पीनट बटर भी आ सकता है वो भी खा सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका इसको अपना तावा होता है छरोड़े बनाते हो, उस पर बस इसको रख के सेक देना, थोड़ा सा घी होगा घर में वो डाल के थोड़ा सा नमक दे देना, वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में ठीक है। हम जैसे ट्राई करके खाए हैं भाई, बैचलर है तो खुद से हो नहीं पाता, आप लोग मम्मी लोग तो बोल देना उनको, मम्मी बना दो आराम से बैठ के खा लेना ठीक है। वो हो गया, तो आज हम ये सब दिखाया आपको, मुश्किल से हमको ऐसा लग रहा हो इतना चीज़ का ना आपका खर्चा कुछ नहीं गया होगा, 500 अगर आप ऐड करोगे तो 500 भी नहीं जाएगा। यहाँ तो केला अलग बात है थोड़ा, ये हो मतलब अगर केला खाते तो 80 रुपये केला सप्ताह ऐसे चल जाएगा, पर अगर कोई गाँव से तो वहाँ 2-3 रुपये 30 केला मिलता है, 2-3 रुपये काफ़ी है, यहाँ पर थोड़ा लूट लेते हैं करता है हर चीज़ का ठीक है। तो आपको मतलब बता देना, अगर आप हम अभी फिर से बोल रहे हैं सबसे सस्ता में इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा ठीक है। अंडा हम ऐसे अंडा मिला तो अंडा 6 से 7-8 अंडा पर डे हो जाता है, अब 4 अंडा मैक्सिमम पूरा दिन में खा सकते हो ठीक है। उसके बाद अगर हाँ अगर कोई अंडा मतलब वेजिटेरियन है तो उसके जगह वो पनीर खा सकता है, और सोया चंक्स हो गया वो सब भी खा सकते हैं, बट सोया चंक्स ना रेगुलर खाना थोड़ा सा मतलब कि ये वाला बात मतलब कि खराब हो जाता है, मतलब कि सोया चंक्स जो है वो बॉडी के लिए थोड़ा सा, उसके बाद मतलब उस टाइम वीडियो सोया चंक्स कितनी वीडियो बना देंगे ठीक है, कि क्या होता है क्या, जब ज़्यादा खाने से क्या होता है, कम हर चीज़ खाने से सब कुछ ठीक रहेगा, अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उस चीज़ को लेकर वो चीज़ दिक्कत हो जाएगा। तो सो बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड कमेंट कर देना, लाइक शेयर तो सब लोग बोल ही दिए हैं ठीक है। अगर अच्छा लगा है मतलब नॉर्मल डाइट है ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी कि हम खुद अपने आप को कह रहे हैं, हम एक साल मेरा हो गया ऐसा ये किए हुए ठीक है, अभी तक इतना बड़ा हुआ है, जो भी है 1 साल लगभग मेरा हो चुका है, हम जो खाए हैं बस इतना ही था, और इसके अलावा मेरा वे प्रोटीन हो गया है,
वो समय मतलब वे में ज़्यादा लूट जाते हैं, वे प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, ये समय मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा निकल जाता है ठीक है। बाद में कि ऐसा घर का खाना नॉर्मल में कुछ नहीं जाता है पैसा, आपको दो टाइम अगर मेरी मम्मी लोग आ जाएगी तो हमको और टेंशन नहीं रहेगा, दो टाइम खाना दो टाइम नाश्ता, चार टाइम मेरा ऐसे ही उसमें निकल गया, चार टाइम घर का खाना हमको मिल जाएगा। बाद में कि अंडा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, पीनट बटर, ऐसे तो हम लोग पूरा दिन में अगर चाहे तो 10 से 12 बार खा सकते हैं, पर उतना बार खा नहीं पाएंगे। सो बताना कैसा लगा आज का वीडियो, तो ज़्यादा लंबा हो गया उससे क्षमा चाहते हैं फिर से। एंड कुछ नहीं, बस ये दिखाने वाले थे, बहुत सारे कह रहे थे कि हाँ भाई वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना, आज आप लोगों के लिए वीडियो बना चुके हैं हम। अंडर 5 पर आ जाएगा 2000 के अंदर एक महीना का खर्चा खत्म, आप बॉडी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ठीक है। सो बस यही बोलने वाले थे, आप लोगों को दिखा दिए, बहुत सारे ऐसे थे दोस्त जो गाँव से होंगे उतना अफोर्ड नहीं कर, स्टार्टिंग हम भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बट अब धीरे 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 थोड़ा हो जाता है ठीक है। सो चलते हैं, टाटा बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाए ठीक है, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। सो चलते हैं, बाय।